स्टॉक पे आप राय जानना चाहेंगे। नमस्कार मैम, मेरे पास येस बैंक के 20,000 शेयर थे। मैंने खरीदे थे 13.85 रुपए पे 4 महीने पहले। तो आई हैव बीन होल्डिंग दिस स्टॉक फॉर लाइक 4 मंथ्स, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा मेरे लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही इनको खरीदा था, पर आई एम सीइंग दैट द कंसोलिडेशन इज एक्सटेंडिंग एंड एक्सटेंडिंग, आई डोंट सी एनी एंड ऑफ इट, एंड आई एम एक्चुअली करंटली वेरी क्लोज टू अमाउंट व्हाट एट व्हिच आई हैव परचेस्ड इट। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा सही एग्जिट प्राइस पॉइंट क्या रहना चाहिए इस बैंक में शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, छोटी अवधि के लिए राय जानना चाहते हैं, तो चलिए रोहित से राय लेते हैं। रोहित, येस बैंक पे आपकी क्या राय होगी? मौजूदा भाव के आसपास ही इनकी खरीद का भाव है, एक अच्छा अपटेक भी देखने को मिला था, पर पॉजिटिव खबरें आ रही हैं बैंक के लिए, बट स्टॉक प्राइस में इतना विजिबल नहीं है वो। 20,000 शेयर्स फिलहाल होल्ड करते हैं, आपकी क्या राय होगी? देखिए, कंसोलिडेशन काफी स्ट्रॉन्ग हम लोग इसके अंदर देख रहे हैं काफी टाइम से, एक सितंबर मंथ से हम लोग कंसोलिडेशन देख रहे हैं, ऊपर की तरफ 15 रुपए और नीचे की तरफ 12 रुपए, एक ही रेंज है 3 रुपए का जो रेंज है, इसके अंदर ही हम लोग काफी टाइम से कंसोलिडेशन देख रहे हैं। देखिए, कंसोलिडेशन को हम लोग इसको टाइम नहीं कर सकते कब तक ये एक्सटेंड हो सकता है, बट जितना कंसोलिडेशन ज्यादा होता है और उसके बाद में जब ब्रेकआउट आते हैं तो उतना ही अच्छा हम लोग को एक टेक्निकल मूव देखने को मिलता है स्टॉक्स में। तो मुझे लग रहा है कि एज ऑफ नाउ बिल्कुल इनको बने रहना चाहिए। 15 रुपए का जो है काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल है ऊपर की तरफ, जैसे 15 रुपए क्रॉस करेगा मुझे लग रहा है कि यहाँ से स्टॉक प्राइसेस करीब करीब 18 से 20 रुपए तक का मूव एक्सपेक्ट कर सके। मुझे लग रहा है बने रहिए, स्टॉप लॉसेस थोड़े डिप रहेंगे इनके और इमीडिएट बेसिस अगर मैं बात करूँ तो 13 रुपए का, और उसके ओवरऑल जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 12 रुपए का रहेगा। सृष्टि, तो 12 रुपए का जो रहेगा मेरा एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह रहेगी, और ऊपर की तरफ जैसे ही 15 का लेवल ब्रेक करेगा एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। एज ऑफ नाउ चार्ट स्ट्रक्चर वीक नहीं है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि 15 रुपए का ब्रेकआउट देखने को मिले, तो होल्ड करने की सलाह है 12 रुपए का ऑन इमीडिएट बेसिस स्टॉप लॉस। 15 रुपए का लेवल काफी क्रूशियल रहेगा, उसके ऊपर अगर निकलता है तो 18 से 20 रुपए तक के टारगेट है। ठीक है, तो 12 रुपए के नीचे कमजोर है, 15 रुपए के ऊपर मजबूत है, उसको ऊपर निकला तो फ्रेश ब्रेकआउट, 18 से 20 रुपए तक के टारगेट्स आते हुए आपको दिखेंगे। और एक बहुत ही राजेश आपसे लेना चाहेंगे येस बैंक पर, यहाँ पर भी राय दीजिए। दो खबरें थी हमारी और दोनों एक्सक्लूसिव ही थी। येस बैंक पहले तो 10,000 करोड़ रुपए जुटाने वाली है, इस तरह की भी खबर आई, मंजूरी मिल चुकी है, और अब कॉक्सिंग किंग्स की जो अब रिसेंट खबर आ रही है, येस बैंक को झटका लगने की भी बात की जा रही है। जो शुरुआत है वो पॉजिटिव नोट पर होते हुए दिखाई दे रही है। चार्ट्स पर आपको क्या लग रहा है, तेजी हो सकती है आगे और ज्यादा ऊपर जा सकता है ये स्टॉक, और करंट लेवल्स पे क्या करना चाहिए येस बैंक में? तो पूजा जी देखिए, काफ़ी लंबे समय से एक रेंज में ही हम देख रहे हैं कि स्टॉक कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। 15 रुपए से 11 रुपए ये एक रेंज बनी हुई है, मंथली सेटअप के हिसाब से भी देखें तो बड़ा ब्रेकआउट तो इसका 15 रुपए के ऊपर होगा, जब तक ये 15 रुपए को क्रॉस नहीं करेगा, जब तक एक रेंज में कंसोलिडेट होते हुए करेगा। लेकिन ट्रेडिंग सेटअप से अगर हम बात करें, बहुत ही छोटी टाइम फ्रेम पर अगर हम बात करें, तो 14.50 रुपए से 14.25 रुपए तक ये स्टॉक में अपमूव बिल्कुल आ सकता है, जो कि इसके लिए एक हर्डल